पर देखो उन्हें परवाह नहीं इनकी शरह दे बदलने दी परवाह नहीं किसी अपने तरफ देखे के दाना नहीं मेरे हजूर कलियां वाले पाशा दे चलन खा के बुल्ले शाह वो फिर अकीदत यह जे पेश कर गया इन्हों की खुशबू आई तक आ रही बुल्ले शाह लिखता है ना कहो अगर ना होते गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सब योगी अल्लाह यार खां वो भी शायर है मुसलमान वो भी कट्टर मुसलमान है पंजे वक्तां नमाजी है उन्हें भी मेरे हजूर की तरीक कर लगे कसर नहीं छड़ी पर उनके वज बड़ा देना खजाना बड़ा कुटना पिया इतिहास पढ़िए पता लगता है मुलाणिया ने काजिया ने जोगी अल्लाह यार खां अपने धर्म चो शेख आख्या सी जोगी तू एक काफर की तरीक कर मेरे हजूर कलियां वाले पातशाह इस्लाम करने वाले काफर के तू एक काफर की तरीक कर रहे हैं इसलिए तू मसीह नहीं बढ़ सकता सी तेन अपने धर्म चो शेख आ काजी ने इतों तक आख्या सी ओ जोगी ओ याद रखी जिस दिन क्यामत का दिन आया क्यामत का दिन मोहम्मद ने तेरी बाणी फड़नी की करेगा वो सुनना दुनिया वाले हो किसे दूसरे धर्म वाले का मेरे कलकियां वाले पातशाह से यकीन किन्ना फिर किन्ना विश्वास किन्ना योगी अल्लाह यार खान ने फिर ठोके आख्या वो दुनिया वाले हो मैनु परवाह नहीं मोहम्मद की ओ दिल कलकियां वाला पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरी बाह फड़नी खड़ा होगा योगी की लिख रहा है अल्लाह की सुगंध है अल्लाह अल्लाह की सुगंध है नानक की कसम है जितनी भी तारीफ करूं गोबिंद की हाजरी साजी हाजरी हजूर के चरण लग जाए सारी संगत के बुलाओ फते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह कविता दे योग तुसीं बधाई दे पात्र मेरा शीश तुहाडे अगे झुकदा है क्यों क्योंकि तुसीं पछम दियां बगदियां होईयां तेज हवावां विच सिखी दी जोत नूं जगदियां रखिया सिखी दी जोत अपने बच्चों अपने विरसे नाल अपने धर्म नाल जोड़न दा यतन कर रहे हो बधाई दे पात्र हो मैं सब तों पहलो समूह संस्था दा प्रबंध कमेटी दा धन्नवाद करदा हां जिन्हां ने दास नजीर संघ दे जोड़े जाण वास्ते इत्थे बुलाया समा बड़ा थोड़ा है क्योंकि मैं तकरीबन पंज हफ्ते रहना है ते मैनू पता है खालसा जी ठीक है चुके संघ क्योंकि मैं काफी कंट्रिया च गया आम तौर पर दीवान जरूर सजते हैं संगत आदियां ने पर ज्यादातर संगत ठीक है चुके इसलिए दिन थोड़े ने फरमाइशा ज्यादा ने मैं चाहना है कि मैं थोड़े न हर वीकेंड उत्ते इतिहास के पन्ने जिन्होंने शहीदां ने स्याही नहीं अपने खून का लिखिया उन्हां दी शान पाउंदा रहांगा सारी संत गुरु रामदास महाराज जी ने प्रकाश पुरब दी लख लख बधाइयां आओ बच्चे कुछ कह रहे हैं उसके बाद मैं सबसे पहले गुरु रामदास महाराज जी के चरण तख्त दे फुल पेश करांगा उस तो बाद इतिहास की लड़ी शुरू कर दा रहा हां सुनना बच्चे क्यों कह रहे हैं गुरु का बहादुर तेरे तुम्हारा सती जी आदावे हाथा छा जावे पाप भी मंदरी था आलमा हाथा छा
ਮੋੜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹੱਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹੱਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹੱਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ प्रकाश पर बड़े उत्साह मना रही है। मेरे तो पिर भाई साहब जी होना ने बड़े सुंदर शब्दों के नाल अकीदे दे फुल पेल कीते, गुरबाणी का गायन होया, तन तन गुरु रामदास जिन सिरिया तिने सवारिया। सो खालसा जी, गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश 9 अक्टूबर 1534 चूना मंडी लाहौर विखे पिता हरिदास अते माता दयावती, कई इतिहासकारा ने ना दयावती रखिया ते कई ने ना दया कौर आख्या। सो खालसा जी, मेरे हजूर अज दे मुबारक दिन चूना मंडी विखे प्रगट होए, आओ अज देवी देवते लड़के माता दया कौर नूं वधाइयां देण आ रहे हैं। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਇਉਂ ਦੇਈਏ ਵੇ। ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਈ ਦਿਓ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੀ ਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 20 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਦੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ, ਉਹਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇ ਗੁਜਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਨੁਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੇਂਗੀ। ਉਸ ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੱਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਹੋਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੰਨਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੜੀਏ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜਰੂਰ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ ਤੋਤਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਸਰਹੇੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵਾਕਮ ਹਾਂ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਈ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ, ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਅਣਦਿਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਠੇਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, 7 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਭੈਣੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਲਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਬਰਖੁਰਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ, ਸੰਭਲ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਲ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਲ ਉਸਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਠੇਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪੋਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਸਟ ਸ਼ਹਾਦਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਸੁਣਨਾ ਬੱਚਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਗਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਏ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ, ਬਰਖੁਰਦਾਰੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਬੱਕਰੀ ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਪੋਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰੇਖਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜੀ ਜੀ ਮੂਹਰੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਾ ਦੀ ਥੰਮੀਏ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੰਦੀ
जल गर्म करके चरण धोते ने ते चरनामत छकिया। मन की खुशी सामी नहीं जा रही, मैं भागा वाली, मैं करमा वाली। अज मेरे घर माता गुजरी जी ने चरण पाए, अज मेरे घर साहबजादे ने चरण पाए। खालसा जी, जो किसी को ज्यादा खुशी मिल जाए वो खुशी किसी होर नाल सांझी ना करे, दिल पाटन ते आ जाए। ते गम मेरे गम किसी होर नाल सांझा ना करिए, ते सियाणे कहिंदे ते दिल दे कोल इक गोला जिहा बजदा है जिहदा इलाज दुनिया का कोई भी वैद अज तक कर ही नहीं सकिया। हुण पता है कि मेरे घर च वक्त दी हुकूमत दे बागी आए हुए ने, कलियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सुपुत्र ने, उन्हां दी माता जी ने। जे सुबह सानू पता लग गया, बक दी सरकार नू पता लग गया, मेरे सारे परिवार नू बेरे ने थाने लगा के खत्म कर दिया। पर फिर भी खालसा जी अपनी खुशी नू सांझा करन वास्ते निजी गुआंढां दे कोल जांदी है, जाके आखदी है नी अड़ियो नी, मैं भागा वाली, मैं करमा वाली। पता ही अज मेरे घर विच कौन आया? अड़ियो अज मेरे घर विच माता गुजरी जी आए हुए, साहिबजादे आए हुए ने। नी सच जानना, मेरा घर ते अज सतखंड बनिया पिया है। नी भैनो किसी होर कोल गल ना करो, जे तुसी दर्शन करने हो ना, जदों रात दा हनेरा होना शुरू होया आके दर्शन कर लियो। ते खालसा जी चाह है ना, खुशी है।
कि एक एक करके सारिया गुआढ़ा खोदी दसे आई। मैं गल का जिक्र कर जावा क्योंकि सूझवान श्रोता जन बैठे हो, मेरे एक एक अल्फाज वाल ध्यान दे रहे हो कि पारस कस्टम की बोलता है, नेट पर की बोलता है, स्टेज से की गल कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा जो इन प्यार नाल श्रवण कर रहे हो। मैं गल करा साडे इतिहासकारां ने वितकरा नहीं किया, जिथे साडे इतिहासकारां ने गंबू के किरदार नूं तिरकारिया फटकारिया नकारिया उथे उहदी मां सोभी के किरदार नूं बाखूबी नाल सत्कार भी करदा सलाया वितकरा नहीं। जिन्हां नूं सद्दे दित्ते सन इंतजार कर रही ने कदों दुनिया का झूठा सूरज छिपे कदों सच दे सूरज दे दर्शन हो इंतजार कर रही। रात अपनी चाले तुर लगी ए दृश्य वेखण वाला जी, ये गुआना एक एक करके सोभी के घरे आ रही ने। माता गुजरी जी तंग दे विचकार चौंकला मार के बैठे ने, एक पासे बाबा फतेह सिंह बैठा, एक पासे बाबा जोरावर सिंह। ये गुआंढना नतमस्तक होके अपन पटावा माता जी के चरण अर्पण करन उपरांत बैठदियां जा रही ने, जिवें तुसीं बैठे हो। एक चुप वरती हुई है, छनाटा छाया होया है, पर ये चुप नूं एक बिरध माता ने तोड़िया। भई ये बिरध माता कौन है जिन्हें कभी माता गुजरी जी का जलौ अपनी अखां नाल अनंतपुर की धरती से वेख्या सी, जिथों की माता जी गुजरते अखां दी पलकां लिदियां सी, फुलां दी वर्खा हुंदी सी, प्रशादी हाथी अगे जानवर माता जी चौर चलते सी। अज इस हालात में बैठे तक चुप ना रह गया, उठी गल च पल्ला पाया हाथ जोड़े आख्या मां साडी नजर की वेख रही है, अज तेरे ते केड़ी भावी बीती है, केड़ा भाणा बीतिया है। जरा सुनना सिखी दे वारसो, सिखी दे थम माता गुजरी जी मोहरे जवाब दे रहा है, कोई पूछे ना मैनू के की गुजरी, ए पूछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी। कोई पूछे ना मैनू तो दिल्ली में रवाना होना है।
कुर्बानी देने वास्ते सीधा बलि देने वास्ते सीधा बलिदान देता जम शहादत दी पर कुर्बानी कादे भी दी जा रही है कादे नहीं दी जा रही है दिल की तंजू राधा प्रभु दाता बड़ो गलू में जिस दिल से जंजूरी रखे आ रही मेरे नवे पाशा जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद दिता कुर्बानी दी 1 नवंबर 2 नवंबर 3 नवंबर 1984 उसे ही दिल्ली शहर साढ़े सिखा घर तो कट के चौंका च खड़े करके गला च पैर पा के अग ला के शहीद दे दिता। मैं अपनी जिंदगी का हर दिन हर पल भुल सकता हाँ पर मैं अपनी जिंदगी का 12 नवंबर 2 नवंबर 1912 इस दिन कभी नहीं भुल सकता 2 नवंबर 1912 जिर आवे क्यों उस दिन की वापरिया तेरे ना उस दिन मेरा दीवान दिल्ली गुरुद्वारा शहीद गंज तिलक विहार सी मेरे सामने हाल गचागंज भरिया पिया पर पहनों सुन वाली गल जिन्या भैन मेरे सामने बैठिया सन सारिया के सिरों से चिट्टिया चुनिया किसी के पुत शहीद किसी का घर वाला शहीद किसी के भरा शहीद किसी का बाप शहीद दीवान की समाप्ति तो बाद एक माता जी का नाम चतर कौर उम्र उस वे 82 वर्ष की सी मैं बह फ के बाहर लै गए मैं कहती वे शहीदों के गुण गाने वाले पातशाह मैं तुम अपने शहीद पुत्रां के दर्शन करा म्यूजियम बनया हुआ जी अजायब घर हजार शहीद वाली तस्वीर लगी हुई ने उस बिरद माता चतर कौर ने मेरी बह फ के अंदर जाके एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच तस्वीर के नाम लै लैके हथ रख के मैंने दसिया कहती वे पारसा ये पांच पुत मेरी कुक चो पैदा हुए इन्हों का बाप छोटे होंद गुजर गया गरीबी बड़ी सी मैं लोगों के घर च कोचे लाए भांडे मांजे अपने पुत पाले मेरे पुत जवान हुए 2 नवंबर 84 शाम के वेले मेरे पुत अंदरों कुंडे ला के रहरा साहब का पाठ करते सी आए जालम उन्होंने दरवाजे झले मेरे पुतों मेरे सामने घिसिया गली चल जाके टैर पाए गला अग लाई मेरे पुत तड़फते सी जालम भंगड़े पाते सी भंगड़े एक गल होर बड़ी गल तुम भी मेरे नाल सांझी की उस माता चतर कौर ने मैंने कह पुत हूं जब एजुकेशन होता है ना धरना देना होता धरना अफसोस हादसा जी अफसोस साजी सियासत साडे लीडर वे शहीदों को नहीं बख्शते ये शहीदों की सिखाव से अपने बच्चों की रोटी सेकते हैं शहीदों की सिखाव कहती वे पारसा जब धरना देना हों ना ये खोदी लीडर आ जाते हैं मैनू घरों गड्डी उठा के लै जाते हैं सारा दिन मेरे वाल हाथ कर करके गल्लां करते सारा दिन शाम पैंदी है मैनू घरे छड के जाते हैं मेरी जेब 50 रुपये पा के चले जाते मेरे एक पुत के सिर की कीमत 10 रुपये पई है 10 रुपये एक होर बड़ी दिल तो मिली गल उन्हें मेरे नाल सिर दी समा थोड़ा है मैं थोड़ा जहा ब्रीफ जा रहा हूं क्योंकि समा समझा क्योंकि 2.5-3 घंटे चाहिए होंगे तो मैं तकरीबन होर 40-35 मिनट लाने ने क्योंकि मैं पता दिया टाइम नहीं मैं कहूँ कि तोड़ खालसा जी साड़ी कौम ने कभी भाजी किसी भी 6 महीने तक नहीं रखी 6 महीने के अंदर तंदूरी है टिक्कियां 31 बाग
40 पा के 51 पा के किसी ने इतनिया तो 19 नहीं मोड़े साड़ी कौम की बहादुरी है। पर 30 साल तो उत्ते समा हो गया है साडे कातल कानपुर दिल्ली के शहीदों के कातल कारा च घूमते ने लाल बत्ती आ गई कुर्सियां ते बैठे ने लीडर बन के कार सानू इंसाफ नहीं मिलिया कार क्यों क्योंकि सियासत रूड़ा है सियासत अगे बादल साहब ने मिली दस आखी दसी बादल जी तुम कौम के लीडर हो आ करो दिल्ली वालू मूह लिए इंसाफ अपने कानपुर दिल्ली के शहीदों का इंसाफ अजे तक नहीं मिले मेरी रूह की चंगी होगी। ते बादल साहब का जवाब होंदा सी भारत की करिए एंटी सरकार एंटी सरकार ते खालसा जी गुस्सा ना करे हूं ते मोदी दी ते बादल दी चुप्पी पई हुई है होनी लै रहे इंसाफ हूं मूह नूं चेपी क्यों लग गई क्योंकि वोटा टुटन का खतरा सानू वोटा चाहिए ने खसी बेच लिखी सच कह रहे पर सुख चाहिए सपना कह रहे जे रब गया सो गुजर गया मैनू करता कोई फिक्र नहीं मैं हस हस मनिया पाड़ लो मैनू चकता नहीं कोई फिक्र नहीं मैं सही निभाया सिखी दा मैं सही निभाया सिखी दा दसो खुद लिखी दा की गुजरी मैं गल कर रहा सी अज नवे पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अनंतपुर की धरती तो दिल्ली में रवाना कुर्बानी देने लई लगा शिक्षक तुहानूं पता वो मंड के आ रहे जी मेरे हजे नवे पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी के आखिरी दर्शन हो रहे आखिरी दीदार हो रहे संगतां तड़फरियां निकल के रही ने जिवें मच्छी तड़फदी है सारी अनंतपुर की धरती हंजुआ नाल गिली होई हुई पर दो चेहरे अनंतपुर की धरती के बेखौफ बेगम बेशिकम ये चेहरे केड़े ने जी एक चेहरा आए नौ वरिया के दो बंदे आए किसी ने सोचा जे बच्चा इहनू की पता बाप की होंदा है इहनू कदों पता लगना है जदों बाप का छाया सिर तों उठिया जदों जतीम बनिया जदों दुखां दे पहाड़ सिर ते टुटे फिर पता लगेगा बाप की पर नहीं ओ दीन दुनिया वाले ओए बच्चा नहीं ओए एदे इशारे उत्ते तेरा पिता कुर्बानी दे लगा एदे इशारे देखो दुनिया दी रीत दुनिया ते हमेशा मां बाप दे हुक्म पुत ने मन्निया है पर नानक दे घर दी गंगा उल्टी वगदी है इत्थे पुत दा हुक्म पिता मन रिहा है वो भी कुर्बानी दे रही देखो दूसरा चेहरा है माता गुजरी जी का देखो बेटे बेशे तेनो आज माता गुजरी जी के चेहरे पे कल ना भी ज्यादा खेड़ा है नूर है किसे को रिया ना गया आई आके अखन लगी नी गुजरी नी कुड़े तेन मजका दा चाह चढ़ गया ही अड़िए तेन पता नहीं तेरे सिर दा साईं तेरे कोलों सदा नहीं सदा ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਿੱਟੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਤੀਮ ਬਣਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੁਣਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੜੀਓ ਨਹੀਂ ਅੜੀਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਲੱਗੀ ਧੜਕਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਧੜਕਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਸੁਣ ਦੀ ਨੂੰ
बखरी जग तो एक दास गुजरी समेत जहान लोगो तो नहीं जमनी कली भी मां अपना आप दबा के हमें अंदर खालसा जी जब मेरी मां गुजरी का इतिहास मेरे कलकियां वाले पाछा का इतिहास ही अंग्रेज लो अंग्रेज लो साड़ी गल छड्डो जब ये अंग्रेज लोग बचते नहीं साढ़े साढ़े तो रोटियां कारण पूरे ताल है खालसा जी साड़ी माया की हो कि प्रबंधकों कित हजार रुपया घट पै जाए ना बेच साड़ी गड्डी मुड़ के आ जाए अंग्रेज जब मां गुजरी का इतिहास वाचते ने फिर मुंह च उंगल पा के एक लंबा सारा हौका लेके आखते ने काश कित यहोजा रह पर यहोजी मां गुजरी साड़ी कौम पैदा हो असी सारी दुनिया उत्ते केसी निशान चलाना असी सारी दुनिया उत्ते पर खालसा जी असी असी ते केसरी निशान दियां वंडियां पा लईयां ने वंडियां अपना आप दबा के कम अंदर सिख कौम नहीं कर गई चोरी विच पा पारस पोते मंगे ते कीती नहीं ना गुजरी मैनू चा छोटे पोते दी जांगे अख चढ़दी वेखण दा मैनू चा दा चम्मा पर अंदरी कजोर लड़दी वेखण दा पारस लख सजदे माती नूं पारस लख सजदे माती नूं तेरे सिर ते पुग गई ली गुजरी पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी ये पुछे के दस गुजरी की नहीं गुजरी सोभी ने बड़ी खिदमत की अपने हथी प्रसादे शिकाए आसन वाज थोड़े बरीफ जा रहा रात अपनी चाले तुरन लगी माता गुजरी जी पलंग दे विचार पए ने एक पासे बाबा फतेह सिंह एक पासे बाबा जोरावर सिंह पए माता जी जाग रहे दुनिया वाले हो दुखों की रात में कभी किसी की नींद नहीं आती परमात्मा किसी के दुख की रात ना पावे दुख की रात पहाड़ जी लंबी होंगी सुखों के साल पलों वर्गे होंगे चुटकी च लंबी लंबी हुण माता जी जाग रहे हैं थोड़ी दूर गंगू का मंजा है गंगू भी जागता है क्यों कदों माता जी सौ मैं इन्हों के सराने पर माया की टोकरी में चुक्का लुका के आवा तो जोर जोर का रौला पावा
जो रात अत थोड़ी जी पर हुई गुंग ने सोचा भी हूं ते माता जी सोवे होने कल का थकीम है जागा है आया आके माता जी सुनने पे माया दी पोटली चुकिया लुका के आके खड़ो के चोर चोर दा रौला पा लगा सुन मरिया गल्लां ने माता जी उठ के बैठ गए मुस्कुरा के हंस के आखन लगे पुत गंगूआ बरखुरदार शिंदे सौं जा पुत सौं जा असी जागदे सी कोई चोर नहीं आया गंगू आखन लगा माता जी फिर तुसी मैनू चोर समझ लिया माता जी आखन लगे बरखुरदार साडा कुछ गुआचा होवे ते किसी ने चोर आखिए साडा ते गुआचा ही कुछ नहीं माफ करना दुनिया वाले शब्द कौम की खातिर कुर्बान करके ए आखन वाली मां गुजरी मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा कभी भी थोड़ी जी माया दे गुआच होते गंगू चोर नहीं सीखा सकते गंगू ने इन्हें शब्दों के अर्थ समझिया ना अपनी तुहीन समझी अमृत वेला होया मुंडे थाने गया जाके जानी खां ते मानी खां थानेदार को खबर की गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परिवार के तीन जी वरगला के अपने घरे लैके आए आओ इन्हों गिरफ्तार करो मैं इनाम इनाम हूँ भारी फोर्स लैके जानी खां ते मानी खां थानेदार सरे की आया यह दृश्य देखियो जी घर के अंदर माता गुजरी जी पंगते बैठे ने इसे हरामी गंगू की मां माता जी के चरण टुट रही है ते दूजे पासे पुलिस ने घर नूं घेरा पाया होया जो सुनिया शोर शराबा मन शक पई चढ़ी कोठे की छत उत्ते सोभी की देखदी है नमक हरामी गंगू पुलिस दे विचार खड़ा ताड़ी ते ताड़ी मार के हस रहा है पुलिस ने घर नूं घेरा पाया होया समझ के गंगू की मां सोभी सारी वारदात खोल के सिर दिया मीडिया अपने पुत गंगू का स्यापा सोभी इं कर लगी वै पापी गंगुआ तेरा काके ना रहे पापी गंगुआ तेरा काके ना रहे हमारे मुख तो कहे ये पापी गंगुआ तेरा काखी ना रहे पापी गंगुआ तेरा काखी ना रहे गंगुआ तेरा
माता गुजी जी साहबजादे गिरफ्तार करके एक रात मुनिंडे थाने च पुंजेर गया। जिस मां गुजरी का नाम लेके जिन्हें साहबजादे ने त्याग के असि अकाल पुरख की कचहरी च बरी होई दा अकाल पुरख की कचहरी वो मां गुजरी वो साहबजादे अज मुनिंडे थाने च पुंजे पै ने कीड़ी खातर तुहाडी खातर साडी खातर माफ करना खालसा जी। किथे अमरीका दे राष्ट्रपति ओदी सिफारिश ना चलदी होवे ओदी स्लिप ना चलदी होवे उथे मेरे नानक दा नाम चलदा है। भैनो जिदन पोदी संगरांद होंगी ना पोदी संगरांद जिहड़ियां भैणां अंदरों जुड़ियां होंदियां ने पुर अंदरों दिखावे वालियां नहीं जांदी सी क्योंकि अजकल खालसा जी दिखावा ज्यादा हो गया है सिखी अमीनी तौर पर कच्ची होंगी जा रही है दिखावा पक्का जा रहा है। जैन अंदरों जुड़िया होंगे ने वह बहुत ही संगरांद वाले दिन अपने बिल चुकदिया ने अपने बच्चों के आसे पुंजे लगा फिर बच्चे पुछते हैं मां सारा साल बिडते पे आप बहुत ही संगरांद आई बिड के चुके आसे पुंजे क्यों लगाए तो फिर सिखी ना जुड़ी हुई मां आखदी है पुत ओ महीना चढ़िया है जिस महीने च कलियां वाले पातशाह का परिवार पुंजे सुता ता जाके बच्चों के मन से अंदर तक असर कर। मैं गल अगे तोड़ा एक रात थान च रखने तो बाद सूबा संघी अदालत पेश किया है कचहरी पैर रख दें सात साल ते नौ साल के साहबजाद ने कलियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बख्शीशा नारा बुलंद किया है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਸੁੰਜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਤ ਲੱਖਾ ਹੋ ਆਖਣਗਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਤੀ ਇੱਥੇ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡ ਭੈਣੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਤ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੜਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਗਿਆ ਸੂਬਿਆ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਬਦਲਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਚ ਆਓ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਚ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਚ ਬਦਲਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿਆਂਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਜੋ ਤਖ ਦਿਆਂਗਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨੌ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭੈਣ ਨੌ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨ ਬਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਪਲੀਰੀ ਕਬ ਹੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਬੱਤਨ ਸੀ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਸਾਥੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਉਜੂ ਸਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠ $100 ਪਾ $50 ਪਾ $10 $5 ਪਾ ਜੇਬ ਚ ਆ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਠ ਸੱਜਣਾ ਉੱਠ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਉਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਆਖਣਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਉਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ
मैं थोड़े न लाड नहीं करने तो तसीए देने तुसी डोर जाना है डोर। बाबा फतेह सिंह जी आखन लगे ओ सूबा सरहंद लगदा कि तुसे इतिहास पढ़िया ही नहीं, तुसे इतिहास दियां कहानियां कुर्बानियां नूं सुनिया ही नहीं। सज्जना गुरु नानक पातशाह जी ने सिखी एक इहो जिहा बूटा लाया है, ये बूटा तूफान मूरी चुकदा नहीं टुट जांदा है, इहदियां टाहणियां लहर खड़ाउंदियां नहीं टुट के डिग पैंदियां ने। पढ़े लिखे वीर बैठे हो, दुनिया दा महान फिलासफर शेक्सपियर लिखदा है, ओह कहिंदा दोस्त हू फेस द स्टॉर्म दे स्टैंड दोस्त हू बेंट दे ब्रेक। जिहड़े तूफान मूरे खड़े हो जांदे ने ओह बच जांदे ने, ते जिहड़े तूफान मूरे चुक जांदे ने ओह टुट जांदे ने। ते साडी सिक्खी की कहिंदी है, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छड़े के। सुबह खंडा साहब जादियो अज मैं तुहाडे नाल नरमी वरती है, कल शक्ति वरतनी है जरा तैयार हो गया। अज दूसरी पेशी अज साहब जादियां उत्ते सख्त सूरजवान श्रोता जनों असी बुलारे की करने हैं, मक्खी ते मक्खी ज्यादा मार ओ किने जिहड़ी गल मेरे उस्ताद जी ने कह दित्ती सारी उह मैं उहदे नाल लगा लैणी है, कोई खोज नहीं करनी। जिहड़ी गल मैं कर गया मेरे चेलियां ने भी उही फड़ लैणी है, सारी उम्र उहदे नाल लगा देणी है, कोई ग्रंथ नहीं बचना। साडा इक ग्रंथ है जिहदा नां है कथा सुतन दी, मैं स्टेज उत्ते पूरी व्याख्या नाल दसण लगा, इस करके क्योंकि बाद विच कई वीर किंतु करदे ने ते कित्थों पढ़िया। उस ग्रंथ का नाम है कथा सुतन की, ओदा लिखारी है दुन्ना सिंह हजूरिया। वो लिखदा है कि कचहरी के बार बार एक पिपल का रुख है, उस पिपल के रुख नाल सत साल ते नौ साल के साहबजादे नूं बन के उन्हां दे तन नंगे करके नाज के तन ते कोड़े मारे गए। जो जो कोड़े वजदे ने साहबजादे सी नहीं कहिंदे, साहबजादे डोंगे। साडा सिर जावे तां जावे, साडा सिखी सिदक ना जावे। खालसा जी सुनियो जरा गौर नाल, अज दा सिख की गाउंदा है, अज दा सिख नहीं गाउंदा है। मेरा सब कुछ जांदा जावे, मेरी कुर्सी घर चों बाहर ना जावे। अफसोस सिखी ना त्याग दा है, सिखी ना कुर्बानी दा है, सिखी ना सुनारत नहीं। गल हो गई बोरा, शाम तक कोई नहीं बजदे रहे, सदा दे होश होके तत्ती दे कुत्ते डिग पए। आयुर्वेद दवाई ममीरा पलाई गई, सदा दे होश हो जाए वापस ठंडे गुरमीत माता बुजी जी कोल भेज दिते गए। रात अपनी चाल पूरी जा रही, माता गुजी जी चौंका मार के बैठे ने, एक पासे सराहना बाबा फतेह सिंह ने लाया हो, एक पासे बाबा जोरावर सिंह जी ने दादी अपने पोतरे नाल लाड कर दी। पता है पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सन, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, पता है कल की वापरना है, जानते नहीं कि कल ये नाच के नाच के जिंदा ने जुल्म की पट्टी में चौंके पिया है, ये नाच नाच कलियां ने कल मेरे को सदा सदा भी दूर हो जाए। पता है लार कर दिया कर दिया, हाथ पिंडे पे गया, पिंडा गिट गिट उपरिया पिया है, हाथ बाहर कर दिया है, हाथ नाल खून लग गया है, दादी का मन पिघल गया। मेरे छोटे पोते की उम्र की है, केवल ते केवल सत बनिया दी, वे चाल मो वे इना कैर वे कुछ भी उस खुदा का खौफ खांदे। पुछया फतेह सिंह बरखरदार कोई तकलीफ ते नहीं हुंदी, सत बनिया दा पोता फतेह सिंह दादी नूं जवाब दे रिहा, ला के हत्थां नूं वेख के अम्मी नहीं साडे फूल का कैसा रंग मैके लोटे सीधा तनू पालने का पंजे गुरा ने दसिया जान छोटे दादी मुनाए जान छोटे हो सानू उम्र भेर ना जान छोटे खोला दिले ना दिल दे तंग माए असी बोता
पिता दशा में जजी दे नौ में पात चा साडे ने संग माए नौ में पात चा साडे ने संग माए खूबी शेर दे हो गई दुनिया वाले सूरज रोज निकलता है ते हनेरे दी बुक्कल विच गुम हो जाता है पर जेड़ा सूरज अज चले जाए नहीं दुनिया तक ओदी लाली कायम रहेगी कोई भी हनेरी तूफान ओदी लाली नूं पिटा नहीं सकेगा क्यों क्योंकि ओदी लाली सत साल ते नौ साल दी सेहत दे आ दी चर्बी चो पैदा हो चर्बी चो एक गुजारिश एक बेनती ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਈਗੋ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਆਇਓ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਘਰ ਸਹਿਜਾਦੇ ਦੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗੀਨਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ 12 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਹਿਜਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਰਾਦ ਹੈ हाँ जुड़ जायो हो सकता है जुड़दिया अखा चो एक दो हंजू वग गए ये हंजू फुल बन के मां गुजरी की गोद में पहुंचे ये हंजू फुल बन के साहबजादे की गोद जाने आखो सतनाम श्री बुरज थल खो के आवाज मारी मां दादी अपने पोतरे को तैयार कर मां असी सूबे दे भेजे हुए सिपाही हैं मां कल तेरे पोतियां उत्ते बड़ा जुल्म होया सारी रात सरहंद सुती नहीं गला गलियां दे कखां ने तहां मारियां मां जे तेरे पोते अजे सुते हैं ना उन्होंने होर सो लैण दे उन्होंने मुड़ के इस नींदे नहीं सोना सदा दी नींदे सोना दादी ने ठंडी नूं नजर मारी आखिया वे सिपाहियो वे जी आया नू सदके आया नू बारी आया नू वे पुत अज सज संवर के आना सी सज संवर के अज तुसी मेरे पोतियां दे जानी बनना बराती बनना दादी पोतियां नू प्यार कर दी मौत लाड़ी नू वी आउण वास्ते खालसा जी मौत कुछ गल्लां अपनी नौ जीतो नाल हो रही ने नी जीतो नी आ आ दो कड़ियां गुरु नानक कोल उधारियां लेके आ अज मैं तेरे पुत्रां दे शगन करन लगी आ अपने पुत्रां दे शगन करन लगी आ अरिए तेरे पुत मेरे पोते मौत लाड़ी नूं ब्याहुण चले आ मैं इन्हां दे सिरे लाउण लगी आ आ नानक कोल दो कड़ियां उधारियां लेके आ वेख तेरे पुत्रां दे चेहरियां ते नूर किन्ना अनोखा है दादी ने सवारिया शिंगारिया पोतियां नूं आखरी प्यार दिता है दुनिया वाले इतिहास बोलना कोई औखा नहीं सुन लेना कोई औखा नहीं असी बुलारे साडे दिमाग विच फीड है अखां बन दियो पांच बह जाओ 50,000 बह जाओ असी बोली जावांगे सुनना की औखा है आओ चौंकड़ा मारो बिरती कितने होर लै जाओ भाई जी आखर तू ठाकर तुम पै अरदास उठ के खड़े हो जाओ जकारा छड्डो गुरु का लंगर तैयार छको ते करी चले जाओ सुनिया गया पर नहीं इतिहास नूं हिरदे दीआं अखां नाल वेख के बोलना बड़ा औखा है ते हिरदे दीआं अखां नाल वेख के सुनना बड़ा औखा है आओ जरा अपने हिरदे दी अख उत्थे लैके चलो जिथे दादी पोतरियां नूं मौत लाड़ी नूं ब्याहुण लई तैयार करदी जदों दादी ने आखरी प्यार दित्ता होवेगा आखरी बार छाती नाल लाया होवेगा उस वेले धरती कंबी होवेगी आसमान टुटिया होवेगा पर नहीं टुटी सी ते गुजरी नहीं सी डोली दादी ने दित्ता प्यार आख्या वे छपाइयो भी आ जाओ ले जाओ मेरी खून की अमानत ले जाओ ले जाओ ले जाओ छपाइया ने मोहरे ला लै थोड़ी दूर जाने तो बाद बाबा फतेह सिंह वापस आ गया जो ही
फतेह सिंह दे कदम वापस आउंदे वेखे तां इन रोज चढ़िया कड़कीवीं आवाज विच आख्या वे फतेह सिंह वे की कर दिता ई शहीदां दे खून नूं लाज ला दित्ती कि मौत तों डर गया है। फतेह सिंह आखण लगा मां इस खून ते भरोसा रख, ये खून पंजवें पातशाह दा खून है, इस रगां विच नौवें पातशाह दा खून। फिर फतेह सिंह पिछे क्यों मुड़िया है? मां तेरे नाल इक गल करनी भुल गया सी पुत, एक नहीं हजार गल कर। मां सानू नहीं पता साडी की होर मां तेरी गोच बड़े हैं, तू रवाया तू हसाया तू खटाया सूझवान सुरता जनो तीन जा साढ़े तीन साल की कई इतिहासकार ने तीन साल लिखिया जी, कई ने साढ़े तीन साल उम्र सी बाबा फतेह सिंह जी की जो तो माता जीतो जी का देहांत हो गया संस्कार करके आखिरी रस्मां निभा के परिवार घरे आया। फतेह सिंह जिद लाई हुई है मेरी मां नूं कित्थे छड्डिया, मैं मां कोल जाना, मैनूं मां कोल लै चलो। दादी नूं चीलिया फतेह सिंह नूं, तुरा तुरा दे खड़ोने दित्ते जा रहे हैं पर फतेह सिंह नहीं बच रहा क्योंकि मां बड़ी चीज, मां का मोह बड़ा। फतेह सिंह आख रहा मेरी मां कित्थे छड्डिया हो, दादी दे मुंह चो अचानक निकल गया वे फतेह सिंह तेरी मां सचखंड चली गई। फतेह सिंह ने चाटा हक दिता मैं भी सचखंड जाना है, मैनू भी उठे लै चलो। दादी ने मुंह ते हाथ रखिया आख्या फतेह सिंह अजे तेरी उम्र नहीं मेरी उम्र जानी है। फतेह सिंह आख लगा मां सानू नहीं पता साडी कोई होर मां होवेगी, मां सानू पता है असीं दादा जी कोल चलने हैं पर तेरे बिना साडा जी नहीं लगना, मां वायदा कर छेती नाल आ जाएंगे। दादी ने फिर मत्था चुमे प्यार दिता आख्या फतेह सिंह तुहाडे वर्गियां जिंदा नूं तोड़ के दादी पिछे रह ले, मेरा वायदा है मैं भी तुहाडे मगरे आई थोड़ा चिर डिगी हुण सिपाहियां ने मोहरे ला लै अखां तों ओले हो गए। दादी आके बैठ गई चुप वर्त गई छनाटा छा गया है पर थोड़े समय बाद वो ठंडे पर चो किसी के गाउन की आवाज आने लगी है, जरा सुनना कौन गा रहा है ते की गाया जा रहा है। परिवार की मालक मां गुजरी सारे मां गुजरी का परिवार देशों विदेशों में झंडे झूलते ने मां गुजरी के परिवार के, पर अज पोतियां दियां घोड़ियां कल्ली गा रही है। कारण ये घोड़ियां कोई होर गा नहीं सी, किसी में समर्था ही नहीं सी, पावर ही नहीं सी, ये घोड़ियां गाउण, ये घोड़ियां माता जीतो जी नहीं सी गा सकदी। जब माता जीतो जी ने पूछा सी ना साईं जी वड्डे जवान हो गए कलियां वाले पातशाह आप इन्होंने मंगने करिए ते मेरे हजूर ने आख्या सी जीतो मैं सारे इंतजाम कर लिया, जोड़ियां बना बना के जोड़े ने वड्डियां दी चंज मैं चढ़ांगा छोटियां दी चंज माता दी चली दादी चली चली सारा बड़ा सुना दिता सी ते जीतो जी ने प्राण त्याग दिते सी आख्या साईं जी मेरे कोलों नहीं दिखिया ए घोड़ियां खालसा पंथ की माता साहब कौन नहीं सी दास सवाल करो पारसा खालसा पंथ की माता साहब कौन ते घोड़ियां ने गा सकती होवे विचार खालसा जी तलवंडी साबो की दीवान लगा हुआ मेरा शहनशाह कलियां वाला खालसा सिंह आदि माता सुंदर कौर जी नाल माता साहब कौर जी दिल्लियों आए दर्शन करने वाले संगतां बैठियां ने ममता जाग पई सी, ममता जाग पई सी उठ के आख्या सी साईं जी
किथे चले गए ना नजर नहीं आ किथे चले गया जीत सिंह किथे चले गया जुझार सिंह किथे चले गया जोरावर सिंह किथे चले गया फतेह सिंह ते मेरे हजूर ने तुहाडे वाल इशारा करके आख्या सी इन पुत्रन के शीश पे बार दिए सत चार चार मिले तो क्या हुआ जीवत कई हजार सिर ते शर्मा गुजरी ही गा सुनना अगलियां सत्रां किन्ने सोर लागे मेरे तेरे सोर मोकारू जितो राग वेख तेरी भाग लगे को पारू जितो राग वेख तेरी भाग लगे को पारू सूरी जानी चेरियां ते सूरी जानी चेरियां ते लालियां नी चूड़ियां बहुत नुवियाड़ा हथी तोरियां नी जोड़ियां बहुत नुवियाड़ा हथी तोरियां नी जोड़ियां मंडू हाथी लोड़िया मौतनू ब्योर हाथी तोड़िया ने जोड़िया मौतनू ब्योर हाथी तोड़िया ने जोड़िया मौतनू ब्योर हाथी तोड़िया ने जोड़िया सुबह संधि अदालत वही सुहाग वही जवान सब जाने जगह थोड़ा जाना सी काजी आए काजी दे हाथ में शरा की किताब है सूबे ने आख्या काजी जी ने साहबजादे ने हजा फतवा सुनाओ जिन्हों सुंदर साहब धरती के समान कम काजी ने फतवा की दिता है इन्हें साहबजादे ने सूबे की दीवार में चिन के शहीद कर दिता जाए इस फतवे की ताई सच्चानंद ने कर दी अठे दुष्ट फैसला है सप के पुत ने सपोड़िए ने मसल दी है यदा बरो मिले कोडे दे नवाब शेर मोहम्मद उन्हें आख्या सुंदर सिंह दुनिया का कोई मजहब दुनिया का कोई धर्म शीर खुरा से जुल्म करने की इजाजत नहीं दिंदा अपने फैसले में वापस ले ला मता इस्लाम धर्म कलंकित हो जाए पर सूबा अपनी जित ते अड़ गया शेर मोहम्मद वाक उठ करके चले गया जिन्हों पर किने रोस वजह उठ के चले गए कोई इंकलाब साहबजादियां नूं दीवार विच चलण लई तैयार नहीं हो रहा आखिरकार जलादां दी वी बनती शाशन बेग बाशन बेग सके भरा समाने दे रहने वाले जलादा की कुल चो निजी मुकदमे की तरी पुख्त वास्ते आए से आख्या सूबा सरहंद असी साहबजादे दीवार में चिन्ह देंगे पर साडी शर्त है जिहड़ा साडे ते मुकदमा चलता है वो साडे हक विच खा साडे हक विच खा सूबा खलगा मोदी की गल है होर इनाम इनाम भी देंगे करो तैयारी बे तैयारी शुरू हो गारा आ गया इट्टां आ गईयां शासन देव चुनाई पे है जी भाषण देव आए सहजादे ने कितने तक सदे पार सजद क्या आख्या चला तो आ जाओ हूं तुहाडियां ते साडियां गल्लां सहजादे डोल खड़ो गए शासन देव ने पहली एक चुकी नीते रखी बाबा देव सिंह ने और सिर चुकिया चुके बड़ा दूर सुन दिता को सुबह खड़ा सी आ गया कहता क्यों साहबजादे डर गए हो बड़िया डींगा मारते अजे तो पहली एक रखी असी तो तुम्हें दीवार अलोप कर बाबा जोरावर सिंह आखन लगे सूबा सरहंद ये खून के मौत है इंपॉसिबल फिर चुके क्यों सुती बाबा जोरावर सिंह आखन लगे सूबा सरहंद वो तेरे राज में कोई चज का कारीगर है नहीं सी कितों कच्चा पिल्ला कारीगर फड़ के लाया सूबिया वो जिन्हें ये भी नहीं पता किसी इतिहास की दीवार की नींद ही पहली इट के में रखी इन्हों आखोए के तेल चोवे शगन करे आज गुरु नानक पातशाह दी कुर्बानियां दे महल दी दीवार दी नींद दी पहली इट रखी गई हुण तेल चोया गया शगन होए दीवार चिन्नी शुरू होई दीवार चिन्दिया चिन्दिया बाबा फतेह सिंह दे गोडे ते आई गोडे चक्की निक्का पाए जाने कोई टुटी दीवार ते रखी बाबा फतेह सिंह टुटके ते चुके लगा के मार दियो नादर कुछ गना है क्यों कर रहे हो
क्या फतेह सिंह का सुनी जलाता, क्या फतेह सिंह सुनी जलाता, एक कहरी कम नहीं है। उसर रहा है कुटिया इटा हलोना है, मैं दुखी का उसर रहा है कुटिया इटा हलोना है। अपनी दाते ऐसा चूना भर गसी, कदरा तू कदर ना जाने, कदरा तू कदर ना जाने, पहले रखते टपो नहीं बाबा फतेह सिंह जी आखन लगे हो सूबिया तेनू कितों टेलीफोन खड़ गया सी डरे किंदा चुके तू सुती। फतेह सिंह आखन लगा सूबिया अपने नौकर नूं पुछ ओए जलाद नूं पुछ इन्हे टुटी क्यों रखी दीवार ते, पुछिया शासन दे ते टुटी क्यों। शासन दे आखन लगा हो चारा साहबजादे दी गोडे दी चपनी रिखा पा। बाबा फतेह सिंह जी आखन लगे ओ जलादा ओ चारा क्यों नहीं चारा है लिया तलवार साडे गोडे दी चपनी ला के छड़ दे, पर इस इतिहास की दीवार उत्ते इट लगेगी ते साबत लगेगी। ओ पास साडे दिल दियां सदरां, पास साडे दिल दियां सदरां, इस महल विच बन सजणा गोड चपनी तू ला के सुर दे ते सिद्धी कर लै कंध सजणा, गोड चपनी तू ला के सुर दे ते सिद्धी कर लै कंध सजणा। दीवार चिणदियां चिणदियां साहबजादिया के मोढ़ियां ते चली गई आखिरी दृष्टि दो मिनट। इतने इतिहासकार वक् वक् रहे हैं, कुछ इतिहासकार ने लिखे है कि जो दीवार मोढ़ियां ते गई तलवार एक बार नाल साहबजादियां दे सर कलम कर दिते, पर नहीं विद्वान वीर बैठे हो सूरजवान सुरता जन बैठे हो बहुते इतिहासकार इस पक्ष विच नहीं, वो लिखते हैं कि फतवा जिंदे जी दीवार विच चिणदा सी साहबजादियां नूं दीवार विच चिणदा गया। साहबजादे दीवार विच आ लो दीवार डिग पई इट्टां खिंड गईआं होश होए पत्ती दी हिक ते पै ने शासन बेग ते बाशन बेग ने तिखियां कटारां फड़ के साहबजादियां दीआं छातियां ते गोडे रख के साहबजादियां नूं शहीद कर दित्ता है। साहबजादियां नूं शहीद कर दित्ता है। आओ साहबजादियां दी अदुट्टी कमाई नूं दिल दी वेदना नाल हिरदे दी वेदना नाल हिरदे च लिआ के आखीए सतनाम श्री वाहे। इतिहास समाप्त नहीं होया, सिर्फ एक मिनट हो इस खूनी साके नूं कोई अपनियां अक्खां नाल वेख रिहा है। खालसा जी उहदा जिक्र ना करां मैं अकित कण बन जा दोषी हो जा। इतिहास अधूरा रह जाए वो कौन है, वो है मोती मेरा जिन्हें दुनिया का सब तो महंगा दुध माता गुजी जी ते साहबजादियां नूं ठंडे पुर छकाया सी। किन्ना क महंगा बची हो अंदाजा ला लोगे, नहीं लगना। सब तो पहले जो कुछ कर सी रिश्वत के तौर पर गहने जो जायदाद सी बेच के रिश्वत दी। इतिहासकार लिखते हैं कि शहादत तो बाद जो पता लगा सी ना सूबे नूं कि मोती मेहरा साहबजादियां ते माता गुजी नूं दुध छकाउंदा रहा, उहदे परिवार दे उहदे समेत पंज जी वेरे नूं संग लगा के खत्म कीते सी दुनियावी तौर पर। दुनिया वालियो मोती मेहरे नूं कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। मोती मेहरा अज भी गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप च माता गुजरी जी कोई सेवा दौड़िया
मोती महरा किधर जिथे बेसबरी नाल माता गुजरी थी अपने पुत्रां दे इम्तिहान दे रिजल्ट दी उड़ीक कर रही सी। सोचदा मैं किवें जाके आखा मां तेरे पोते नहीं रह गए गज पै जाए किवें सुनेगी जाके चुप करके खड़ा हो गया। माता जी ने पूछया वे मोती वे कचहरी चो है। मोती ने सिर हिलाया मोती पुत की खबर लेके आया मेरे पोत्यां दी। मोती चुप वे मोती बोलता क्यों नहीं। मोती चुप अगा हुई मां गुजरी मोदे तो फरके चंडे हो गया आख्या वे मोती वे किते कहते नहीं हो गया किते जुलम ते नहीं हो गया किते मेरे पोत्यां ने दीने सलाम ते नहीं कबूल लिया। मोती दी ताह निकली बुल फरके आखे नहीं मां नहीं तेरे पोते हसदे हसदे धर्म हेत कुर्बान हो गए। वे मोती वे हुण दा वेला वी अड़िया ये ते खुशियां मनाउण दा वेला है जा जाके सरहंद दीआं गलियां ठोका दे अज गुरु नानक पातशाह दी सिक्खी दा जहाज डोलण तों बच गया। ते धनवाद च गुरु नानक पातशाह जी धनवाद सी चुका है ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्यों समाना खुद भी ब्रह्मलीन होके पोतरे को जल पहुंचे। तीन लाशां सरहंद दी धरती ते बगैर कफन दे रहियां ने बगैर की है साडी कुर्बानी सिर्फ इतिहास बोलदे आं तुसीं टिकटां भी दिंदे हो सत्कार भी करदे हो डालरां नाल साडे टेची भरदे हो साडी कोई कुर्बानी है नहीं सिर्फ असी ते गाथा ही गाने मेरा गद्दियां वाला पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिदे एक हफ्ते विच परिवार दे पंज जी इस रस्ते ते तुरे जिस रस्ते ते गया कदी पिछे नहीं गया। पर देखो तन है मेरे हजूर का इतिहास किसी की लाश मेरे हजूर ने हथी संस्कार नहीं किसी के ऊपर कफन नहीं पा सके किसी भी अर्थी मोटा नहीं दे सके। ध्यान देना खालसा जी इलाके का मनिया परमनिया चौधरी बंजारा कह लो शेख कह लो अमीर टोडर उन्हें पता लगा आया आके आखन लगा सुबिया इलाके मैनू दे मैं इन्हों का अपने हथी संस्कार करना अद बना मैं इन्हों की यादगार बनानी है। सुबह आखन लगा टोडर मल्ला तेनू जगह मेरे को मुल लैनी की पा जगह बहुत कीमती है की पा तेनू जगह मेरे को मोहर बिछा के लैनी पेगी। टोडर मल्ला आखन लगा सौदा सस्ता है गया जाके चौंक खड़ो के अपनी जायदाद नीलाम की। भैनों तुहाडा हिस्सा भी पिया सी बच्चियो तुहाडा हिस्सा भी जो सब कुछ बेच रहा सी ना नीलाम कर रहा सी ना कुछ समान चुप चुप के पासे रखदा सी। टोडरमल दी धी आई आके आखिया बापू ये पासे क्यों रखना है इन्हां नूं नीलाम क्यों नहीं करदा। ते टोडरमल आखन लगा सी धीए इहदे ते मेरा हक नहीं ये तेरा हथी तैयार किया होया दाज है अपना दाज हथी तैयार किया ते मेरा हक नहीं ये तेरा दाज है। ते टोडरमल दी धी ने आख्या सी बापू ठे च पैंदा दाज अज सेवा का मौका मैनू भी मिले है मैं की करना है दाज इन्हू भी नीलाम कर तुहाडा हिस्सा भी किया सब कुछ नीलाम करके मोहर पाइया थैली च लिया के सुबह संदे मोहरे सुटिया आख्या सूबिया वो चुक मोहरा मैनू लाशां दे मैं अदब नाल संस्कार करा। सुबह आखन लगा टोडर मल्ला मोहर थोड़ी टोडर मल्ला आखन लगा नहीं मैं हाथी बिछा के वेख आया तिना का अलहदा अलहदा संस्कार हो जाना नहीं टोडर मल्ला मैं तेन मोहर बिछा के नहीं मोहर खड़िया करके जगह लैन लिया आख्या दुनिया वाले हो। टोडर मल सरहंद दियां गलियां च घूम घूम के मोहर कट्ठिया करता है एक दुनिया की अनोखी अर्थी तैयार हुई है। मोती मेरे ने माता गुजरी जी ने मोढ़े ते चुकया है ते टोडर मल ने दोहां साहिबजादे ने मोढ़े ते चुकया है दुनिया की अनमोल जगह जिथे विचकार माता गुजरी जी का संस्कार विचकार माता गुजरी जी एक पासे बाबा फतेह सिंह एक पासे बाबा जोरावर सिंह तिन्हां दा इकट्ठा संस्कार वो जगह है गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप सर। तियो
ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਾਇਓ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅਨੋਖਾ ਤੀਰਥ ਥੱਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ ਬੁਰਜ ਦੇ ਥੱਲਿਓ ਖੜੋ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ ਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਚ ਥੱਲਿਓ ਖੜੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਸ਼ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।